दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। ये दिल्ली सरकार का फेलियर है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग का काम बंद हो गया। नहीं, हम लोग की वजह से क्या प्रदूषण होगा सर? काम करने से प्रदूषण होता है। जब प्रदूषण है गाड़ी घोड़ा बंद करो, धुआं उठता है उससे। क्या बोले सरकार से, क्या करेगा? कुछ नहीं, सब खाने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर मार्केट में मौजूद हैं, जहां का AQI इस समय 392 है। हम आज ग्राउंड पर निकले और हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि प्रदूषण की वजह से उनकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है। हमने अलग अलग लोगों से बात की है, उन लोगों से भी जो कि सामान की डिलीवरी का काम करते हैं, उन लोगों से जिनकी दुकानें सड़क के किनारे पर हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों से भी जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अपने घर से काम की तलाश में निकलते तो हैं लेकिन उनको काम इस समय नहीं मिल रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम पॉल्यूशन की वजह से बंद किया गया है। अलग अलग लोगों की थ्योरीज हैं, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि हर तरह के ओपिनियंस और हर तरह की थ्योरीज को आपके सामने रखें। देखिए न्यूज़ क्लिक की ये रिपोर्ट। मैं ड्राइविंग करता हूँ जी, बाहर निकलने के बाद इतना प्रदूषण है कि आंखों में मिर्ची जैसा एहसास हो रहा है। इससे सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही कि इसका फाइन फॉलो कर सकेगी, इसको ठीक कर सके। आंखों में लग रहा है, जैसे ये देख रहे हो, आंसूसा हो जाता है आंखों में, गले में लग रहा है, सांस लेने में भारी सा लग रहा है। रिक्शा चलाता हूँ जो हरियाणा में चलता है, जो जला रहे हैं खेत करियानी, इससे प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, पटाखे प्रदूषण फैल रहा है। सर ये दीपावली का तो सिर्फ एक्सक्यूज है कि दीपावली के बाद पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो खाली कहने सुनने वाली बात हो गई कि हिंदू तत्व का त्यौहार आ गया तो मतलब पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया। कागजों में बैन है, यहाँ पे दुकानों पर पकड़वा के खूब बिके हैं। पॉल्यूशन हम लोगों को मेंटेन करना है, कैसे कंट्रोल होगा हमें जगह जगह देखना है। पटाखे फोड़े थे आपने? बिल्कुल सर, जिस तरह से अरविंद जी ने कहा, मैंने स्मोक वाले बहुत अच्छी मशीनें लगाई, कहाँ हैं वो, हमने तो देखी नहीं आज तक। सरकार क्या कर रहा है? बस सरकार अपना अपना देख रहा, लेबर के कोई देख ही नहीं रहा। मिस्त्री का काम कर रहे, हमारे पास भी कोई काम नहीं। आज 20 दिन से मैं बैठा हूँ, खाने के लिए कोई साथी होती से ऐसे जो काम करता है उससे भी 10 रुपया लेकर जब खाना पीना खाता हूँ, लाला से उधार खा रहा हूँ। जब काम नहीं मिलेगा, रोटी कहाँ से मिलेगा? ये बच्चे हैं, कैसे परिवार को पालेगा? हमारे काम से क्या फैलेगा? वैसे थोड़ी धुंध तो उड़ती है, मगर उससे इतना असर कहाँ पड़ेगा? ये ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण है। गाड़ी नहीं चलता है तो धुआं नहीं उड़ता है, उसका गर्दा नहीं उड़ता है। खाली लेबर के काम में, पेंटर के काम में यही समय प्रदूषण है, और कोई चीज़ में प्रदूषण है ही नहीं है। पॉल्यूशन का मेन मकसद यही है कि ऑडिबिन लगाया जाए, जिस हिसाब से चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई कब तक रुकेगी? लेबर सारी अभी घर पर 21 दिन बंद है। लोग अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, अपनी पर्सनल व्हीकल कम यूज़ करें, पर कंट्रोल नहीं हो रहा इस चीज़ पे। इस चीज़ पे तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा ना सर। हम बैठे हैं, देखिए मैं ही नहीं अकेला हूँ, और भी ऑटो वाले हैं, सब अपनी गाड़ी लेके घूम रहे, तो ऑटो वाला कहाँ कमाएगा? भाई 1 लाख का चालान हम कैसे भरे? उससे बेहतर है कि हम कामें बंद कर दें। इसके वजह से ये सारे लगभग 1000 मजदूर बाहर से आए हुए हैं दिल्ली, और दिल्ली में आके जो है ना सब बैठे हुए आज 15-20 दिन से भूखे मर रहे हैं, कि उनके पास किराया भी नहीं है कि वो घर जा सके। गाड़ी इतना चलता है तो प्रदूषण होता है नहीं, काम करने से प्रदूषण हो जाएगा। गलियों में पॉल्यूशन झाड़ू से भी होता है। हम यहाँ पर रहते हैं, आप दिल्ली से अलग स्टेट में चले जाइए, जो झाड़ू सफाई का काम होता है ना सुबह में होता है, यहाँ 9 बजे क्यों होता है? पिछले साल भी ऐसे हुआ है, बोलिए हर एक साल ऐसा करेगा, कहाँ से खाएगा आदमी? इस सरकार की गलती है। सर देखिए, सरकार तो कोई भी कुछ नहीं कर सकती, मैं अपना एक लॉजिक बता रहा हूँ। ओडविन भी लगा लेंगे तब भी बंद नहीं होगा।